जीवन में श्रेष्ठतम को पाने की आपके भीतर प्यास हुई है, उस श्रेष्ठतम को पाने की प्यास हो जाए, भले ही वो मिले या न मिले, लेकिन उस श्रेष्ठतम संपदा को पाने की प्यास भी हो जाए तो बहुत कुछ उस प्यास के भीतर ही मिल जाता है आदमी को। बहुत कुछ आनंद की दिशा में उसके कदम उठ जाते हैं और उन लोगों की तुलना में अनंत गुना भीतरी शांति जागतिक संपदा मिल जाती है उसे, भले ही उसे विराट न मिले, भले ही उसे परमात्मा न मिले, लेकिन उस यात्रा में बहुत कुछ मिल जाता है जो बहुत श्रेयस्कर है। आपका मूल स्वरूप परम आनंद का है, आपका मूल स्वरूप साक्षात परमात्मा का है। ये बात बड़ी कठिन लगती है समझने में, लेकिन इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में अध्यात्म का सारा विज्ञान, सारा मर्म समाहित है। जिस जिसने जाना उन सब ने एक अद्भुत बात कही कि तुम्हारा मूल स्वरूप परम आनंद का है, यानी मूल रूप से तुम परम आनंद के स्वरूप को लेकर ही पैदा हुए हो, लेकिन इस समय परम आनंद की बात ही छोड़ो, तुम आनंदित भी नहीं हो, तुम शायद ही कभी आनंदित होते हो, आनंद का स्वाद ही नहीं है। तो कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि तुम अपने मूल स्वरूप को भूल गए हो। इसलिए इस पृथ्वी पर सारे संबुद्धों ने एक ही काम किया है, उन्होंने चेष्टा की है कि तुम अपने उस भूले हुए मूल स्वरूप का स्मरण कर लो, तुम्हें उसकी याद आ जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश स्मरण का रूप बिगड़ गया, स्मरण का रूप सुमिरन हो गया। सुमिरन का अर्थ है कि राम राम रटते रहो, ओंकार जपते रहो, माला फेरते रहो। ये जो मर्म था, जो विज्ञान था, जो संदेश था, वो भ्रष्ट हो गया, वो बिगड़ गया। स्मरण करने की जगह सिर्फ रटना शुरू हो गया। सुमिरन शब्द, सुरति शब्द बड़ा प्रीतिकर है, उसके पीछे एक ही भाव था, एक ही संदेश था कि तुम्हें स्मरण करने की, अपना मूल स्वरूप याद करने की कला आ जाए। लेकिन तुम मर्म को भूल गए, तुम सिर्फ रटना शुरू कर दिए, जपना शुरू कर दिए, माला फेरना शुरू। अब प्रश्न उठता है, फिर स्मरण की प्रक्रिया क्या होगी? स्मरण की प्रक्रिया, याद करने की प्रक्रिया कोई तपश्चर्या नहीं है, कोई साधना नहीं है। किसी भी चीज को जिसे आप भूल गए हो, उसको स्मरण करने के लिए क्या करना पड़ता है? जब मैंने गहनता से इस मर्म को जानने की चेष्टा की तो एक महत्वपूर्ण सत्य मेरे प्राणों में प्रतिष्ठित हुआ। वो सत्य सिर्फ इतना है कि सिर्फ शांत होकर, मौन होकर, विश्रामपूर्ण अवस्था में पहुंच जाना किसी चीज को याद करने के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण औषधि है। जस्ट बीइंग इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। उदाहरण के लिए किसी का नाम आपसे पूछा जाता है और आप एकदम बताने को आतुर हो उठते हैं और कहते हैं बस होठों पे रखा है और याद करने की कोशिश करते हैं और अपना सिर पीटते हैं कि अरे हजारों बार तो उसका नाम ले चुका हूं, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन जितना ही याद करने की कोशिश करते हैं उतना ही भूलता जाता है, और जितना ही कोशिश करते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है याद करना, क्योंकि जितना अधिक कोशिश करते हैं याद करने की उतना अधिक तनाव से भर जाते हैं, और जितना अधिक तनाव से भरते हैं उतना ही आपका, आपके गहरे अवचेतन मन से संबंध टूट जाता है। वह स्मृति आपके अवचेतन मन में बैठी हुई है, नीचे व्यक्तिगत अवचेतन मन में बैठी हुई, और चेतन मन उसको याद करने की कोशिश कर रहा है। तो जितना कोशिश करता है चेतन मन उतना ही तनावग्रस्त हो जाता है, जितना ही तनावग्रस्त हो जाता है तो चेतन मन का आपके अवचेतन मन से संबंध टूट जाता है।
जो आदमी कोशिश कर रहा है याद करने की, उसको उसी के साथ ये संदेश भी भीतर पहुंच रहा है अवचेतन मन को कि वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। ये दोहरे सुझाव आपके अवचेतन मन को पहुंचते हैं, इसलिए याद करना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। फिर क्या करते हैं आप, याद करने की कोशिश छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब आप चाय पीने लगते हैं, अखबार पढ़ने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं, गपशप मारने लगते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, विश्राम पूर्ण हो जाते हैं। फिर एकाएक आपको याद आ जाता है कि फला नाम था, और आप बोल पड़ते हैं कि देखिए उस समय याद नहीं आ रहा, अब अपने आप याद आ गया। यानी अकस्मात जब आप आतनाव की स्थिति में होते हैं, इन स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन होते हैं, पूरी तरह विश्राम पूर्ण होते हैं, उस समय स्वतः अकस्मात भूली हुई चीज याद आ जाती है। यानी बीइंग इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, जितना ही आप विश्राम पूर्ण होते हैं उतना ही आपका भीतर प्रवेश होता है, आपकी जीवन ऊर्जा निरंतर बाहर भाग रही है, और परम आनंद का मूल स्रोत आपके भीतर, यही मूल समस्या है। परम आनंद का मूल स्रोत आपके भीतर, उससे आपका संबंध नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि आपकी जीवन ऊर्जा तो 24 घंटे बाहर बाहर भाग रही है। अब जीवन ऊर्जा को कैसे भीतर की ओर उन्मुख करें, उसका एक ही उपाय है, विश्राम पूर्ण अवस्था में होने का अभ्यास करें। जैसे मैंने स्मृति का, याद करने का एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको, किसी का नाम आप भूल गए हैं उसको कैसे याद करते हैं? ये जो आपके मूल स्वरूप की स्मृति जो है, ये आपके गहनतम गहरे से गहरे अचेतन में प्रवेश कर गई है, और जब तक आपका चेतन मन आपके गहरे अवचेतन मन से लड़ेगा, संघर्ष करेगा, तब तक आपको याद नहीं आएगा। यही मूल सूत्र है समझने का। अगर ये बिंदु आपकी समझ में आ गया कि अपने मूल स्वरूप को कैसे उपलब्ध हो, अपने मूल स्वरूप को कैसे प्राप्त करें, तो पहला सूत्र है विश्राम पूर्ण होने की कला को सीख लेना। इसीलिए मैं बार बार, आप सुनते होंगे, मैं आपसे कहता हूं, आई डोंट टीच यू रिलीजन, आई टीच यू द आर्ट एंड साइंस ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। मैं समग्र विश्राम की अवस्था में होने की कला सिखाता हूं तुम्हें, और जब तुमसे कहता हूं कि 2 मिनट के लिए विश्राम पूर्ण हो जाए, जस्ट बी इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, उस समय जो 2 मिनट का समय आप देते हैं, उस समय आपकी ऊर्जा को आपके भीतर उन्मुख करने की दिशा में सद्गुरु के रूप में मैं अपना काम भी करता हूं। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार अपने आत्म स्वरूप को स्मरण कर लेने की प्रक्रिया का नाम है। आत्म स्वरूप कैसे स्मरण में आएगा, आत्म स्वरूप क्या है, कैसा है वो, आपका मूल स्वरूप, वो आपके गहरे से गहरे अचेतन में दबा पड़ा हुआ है, उसकी स्मृति वहां दबी पड़ी हुई है। अगर मोटे तौर पर आपको समझाने के लिए मैं कहूं तो आपके मन के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है चेतन मन, जिसकी भूमिका 10% है। इसके अलावा जो शेष मन है आपका, वो अचेतन मन है। उसका दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहेंगे व्यक्तिगत अचेतन, यानी जो आपका व्यक्तिगत जीवन की चीजें, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई चीजें उस अचेतन में दबी पड़ी हुई है। आपके इस जन्म में जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक की सारी स्मृतियां आपके व्यक्तिगत अचेतन में दबी हुई पड़ी है, और जन्मों जन्मों की, कई जन्मों की स्मृतियां जो हैं वे आपके और गहरे अचेतन में पड़ी हुई है। तो दूसरा तल आपके अचेतन का है सामूहिक अचेतन, जिसमें आप इस ब्रह्मांड की जो कलेक्टिवली अवस्था है, सारा समाज है, सारा देश है, सारे प्राणी है, ये सामूहिक अचेतन अवस्था है आपके मन की, ये तीसरा तल है। और चौथा जो सबसे गहरा तल है
वो समष्टि अचेतन, यानी जिसमें सारे ब्रह्मांड की स्मृतियां दबी पड़ी हैं, जो ब्रह्म अचेतन कहते हैं जिसको, या समष्टि अचेतन कहते हैं। तो उस ब्रह्म अचेतन का, समष्टि अचेतन का, उसमें आपका मूल स्वरूप छिपा पड़ा है, इतना गहरे है। अगर उससे आपको संबंध जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? स्मरण की प्रक्रिया। स्मरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आयाम है कि जो आपका चेतन मन है वो आपके व्यक्तिगत अचेतन से ही नहीं, सामूहिक अचेतन से नहीं, बल्कि समष्टि अचेतन से जुड़ जाए, इतने एक हो जाए अपने भीतर कि आपका चेतन मन, व्यक्तिगत अचेतन, सामूहिक अचेतन और समष्टि अचेतन चारों से जुड़ जाए, चारों के साथ एक हो जाए, चारों एक हो जाए, अखंड हो जाए आप। उस अवस्था में आपको अपने मूल स्वरूप का बोध हो सकता है। केवल एक ही उपाय है, अध्यात्म के विज्ञान का सार है कि आप भीतर से इतना एक हो जाएं, भीतर इतना विश्रामपूर्ण हो जाए कि आपका चेतन मन आपके व्यक्तिगत अचेतन से जुड़ जाए पूरा पूरा, और व्यक्तिगत अचेतन सामूहिक अचेतन से, सामूहिक अचेतन समष्टि अचेतन से। केवल समझाने के लिए ये मन के इतने हिस्से कहे ताकि बात गहराई से आपकी समझ में आ जाए, लेकिन इसका अर्थ कुल इतना है कि आप इतना विश्रामपूर्ण हो जाए कि आप अपने भीतर गहरे में उतर जाए। सिर्फ विश्राम पूर्ण होना ही एकमात्र उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए अध्यात्म की जितनी परंपराएं दुनिया में पैदा हुई, इसी अवस्था को पाने के लिए लोगों ने संन्यास लिया, एकांत में गए, भागे कि हम अपने भीतर प्रवेश करें, अपने भीतर पहुंच जाए। लेकिन जो कुछ धर्म जगत में इस दिशा में किया गया उसके मर्म को, उसके विज्ञान को लोग भूल गए और उसकी जगह सिर्फ संन्यास के नाम पर आश्रमों में धर्म का धंधा शुरू हो गया। गहरे अपने विश्रामपूर्ण अवस्था में पहुंचने की कला ये विलुप्त हो गई। तो मैंने कहा आपकी चेतना चार तलों पर है। जैसे पहला चेतन तल है, चेतन तल वही है जिसमें आप 24 घंटे अपने क्रियाकलाप करते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, दौड़ना चलना, दफ्तर दुकान धंधा, सभी जिंदगी की गतिविधियों में सक्रिय रहना, ये आपका चेतन तल है। यानी ये जो 10% हिस्सा है आपके चेतना का, उसी हिस्से में आप पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, उसी में जीते हुए। जैसे एक बहुत बड़ा विराट बंगला है आपका, लेकिन उस विराट बंगले के बरामदे में आप पड़े रहते हैं जिंदगी भर। उसके भीतर क्या क्या है, रंगमहल है पूरा, लेकिन 90% उस बंगले से आपका संपर्क नहीं होता है। उस भवन के बरामदे में ही पड़े पड़े आप जिंदगी गुजार देते हैं। कितने अभागे हैं आपको, जबकि आपको इतना विराट भवन मिला है सारी संपदाओं से भरा हुआ, आपको सिर्फ भीतर और भीतर और भीतर और गहरे जाने की जरूरत है। वही विज्ञान आपके भीतर प्रवेश कराने की चेष्टा करूंगा। तो पहला तल चेतन तल है जिससे आप सब परिचित हैं, जिसमें आप 24 घंटे जीते हैं। दूसरा तल है व्यक्तिगत अचेतन का। जब मैं आपसे कहता हूं कि विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने के लिए ध्यान का अभ्यास करें, तो जब आप ध्यान में बैठते आंख बंद करते हैं तो कोई एक 15-20 मिनट अगर आप ध्यान में बैठ लेते हैं तो 20 मिनट के भीतर आपका व्यक्तिगत अवचेतन में प्रवेश शुरू हो जाता है। जब आप व्यक्तिगत अचेतन में प्रवेश करते हैं तो आपकी जो स्मृतियां, जो अनुभव दबे पड़े हुए हैं वे उभरने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। जैसे आपने अनुभव किया होगा जब आप ध्यान में बैठते हैं, कभी कभी आंसू झरने लगते हैं, कभी कभी हंसी आने लगती है, मुस्कराने लगते हैं। आपने कभी हंसी दबा ली है, वो व्यक्तिगत अचेतन में दबी पड़ी है। आपने रोना चाहा, रो नहीं पाए, वो आपके व्यक्तिगत अचेतन में दबा पड़ा है। जब आप उससे संबंध आपका चेतन का मन का बनता है तो आपके आंसू झरने लगते हैं। कभी आपका सिर
या शरीर नाचने सा लगता है, ये व्यक्तिगत अचेतन में दबे हुए अनुभव है। और जब इससे भी गहरे जाते हैं, कोई आधे घंटे का 35 मिनट का अनुभव होता है, तब आपको दूसरे तरह के अनुभव होते हैं। आपको लगता है अगर नाच हो रहा है तो आप उस नाच का हिस्सा बन गए हैं, अगर उत्सव बन रहा है तो सारा संसार उत्सव में है, आप उत्सव के हिस्से बन गए। तब आप व्यक्तिगत अचेतन से भी गहरे सामूहिक अचेतन में प्रवेश करते हैं, तब इस तरह के अनुभव होते हैं, सामूहिक तल के अनुभव। और कोई 40 मिनट के बाद आपका प्रवेश होता है और गहरे, जिसे हम समष्टि अचेतन या ब्रह्म अचेतन कहते हैं। जब उस तल पर आप पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, ये जो कुछ है वो सब मेरा ही अंग हो गया है। यू बिकम द टोटल, वो सारी टोटलिटी, ये सारा ब्रह्मांड, चांद, तारे, ये सब लगता है कि मेरे ही अंग हैं, मेरे ही भीतर हैं, मेरे ही भीतर सब स्थित हैं, लटके हुए हैं, पड़े हुए हैं। जब इस अवस्था को ऋषि उपलब्ध हुआ तभी उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा चेतन आपके मन के गहनतम गहरे से गहरे तल पर पहुंच गया, उससे उसके चेतन मन का संबंध बन गया, तब ऋषि का होता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी ये सब कुछ मैं ही हूं। उसी समय जब इतना गहरे विश्राम पूर्ण अवस्था में आपका चेतन मन आपके ब्रह्म अचेतन से जुड़ जाता है, तब जो आपको अनुभव होता है उस अनुभव का नाम है परमात्मा, उस अनुभव का नाम है परम आनंद, उस अनुभव का नाम है आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेना, उस अनुभव का नाम है आत्म साक्षात्कार।